के वाइब्रेशन हमारे अंदर से बाहर निकले, उसके बाद इन्हीं वाइब्रेशन से आप जान सकते हैं, नॉलेज आ सकता है कि दूसरा आदमी क्या है। इसी से शुरू करें, दूसरा आदमी क्या है। आप कोई रियलाइज आदमी आता है, छोटे बच्चे आते हैं, दो साल के बच्चे जो पार हो जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं जिनके अंदर से वाइब्रेशन रहना चाहिए, वो किसी भी इंसान की ओर जब हाथ करते हैं तो बताएंगे कि हमारी इस उंगली में चल रहा है। आप अगर उस आदमी से पूछे तुम्हें क्या हार्ट ट्रबल है, कहना भाई हार्ट ट्रबल है, ये हृदय चक्र की निशानी है। इसकी गवाही यहाँ बैठे हुए कम से कम 50-50 आदमी दे सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, आप उंगलियों पे उन्हें जान सकते हैं, छोटे बच्चे तक जान सकते हैं। कोई अगर आदमी आ जाए आप फौरन बता सकते हैं कि ये आदमी किस दशा है, इससे कौन से चक्र पकड़े हुए हैं, कौन से सेंटेंस पकड़े हैं जो हमारे अंदर है, जिन्हें हम दिखा सकते हैं आपको। अगर आप हमारे ध्यान में कभी आए, इसके टाइम अगर आपको मिल जाए तो आप लोग बड़े बिजी लोग हैं, तो आप जान सकते हैं कि इन्हीं उंगलियों के ऊपर आप दूसरों को परख सकते हैं और जान सकते हैं कि कौन संत है, कौन असंत है, कौन दुष्ट है, कौन महादुष्ट है, कौन राक्षस है। यही नॉलेज। कोई साहब आए बड़े अच्छे कपड़े पहन करके आ गए, साधु महात्मा बन के आ गए, आपसे मीठी मीठी बातें करी, भाई मैं तो तुमसे प्रेम करता हूँ, बाद में आपने पता देखा आपकी चीज अच्छी कर दी, ये समझ में आया नहीं, बस ये तो बड़े अच्छे लग रहे थे, बड़े साधु लग रहे थे, मुंह से बड़े भोले भाले लग रहे थे, लेकिन हमारी तो गठी खा गई। मनुष्य के बारे में अपने ही मनुष्य और मनुष्य के बीच में ही कोई आपस में ज्ञान नहीं, हालांकि अधिकतर मानव बहुत सुंदर अत्यंत गौरवशाली, जैसे कि बाग में कलियां हो और अभी खिली नहीं हो और कोई समझता ही नहीं कि बाग में कितनी बहार है। जब ये वाइब्रेशन आपके अंदर से छूट पड़ते हैं और जब आप दूसरों पे हाथ रख के देखते हैं तो मजा आता है आपको, आपको मजा आता है, आप देखते हैं लोग बताते हैं तो बड़ा ऐसा आदमी है, किसी बात ही नहीं करता, अजीब आदमी नहीं, नहीं नहीं उसके अंदर देखो कितना सुंदर है, आपस में वो सुगंध वो संगीत देखने योग्य होता है, मजा आता है इंसान को। हालांकि हम इंसान से भागते रहते हैं सुबह से शाम से, इंसान इंसान से भागते रहता है सुबह से शाम तक, क्या अजीब हाल है। जो आदमी जानकार है उसको तो कभी कभी ऐसा भी लग सकता है कि अजीब पागलखाने में आए, तब एक अज्ञान ही के कारण मनुष्य इतना अनजान है उस आनंद से जिसे परमात्मा ने बनाया। एक सहयोग ऐसी चीज है, ऐसा एक तरीका है जो परमात्मा का अपना तरीका, जिसके कारण आपके हाथ में से जो वाइब्रेशन बहने लग जाते हैं, पांव में से बहने लग जाते हैं, सारे शरीर में से बहने लग जाते हैं, जैसे कि कोई सूर्य का प्रकाश, और दूसरों के अंदर जाके उसके भी प्रेम को जगा करके उसमें भी वो गति दे सकते हैं कि उसके भी अंदर से वो बहने लग जाए और एक तरह की चेन रिएक्शन से बना। लेकिन हजारों दीप जलाने के लिए पहले दीप को सज्ज हो, आप सिर्फ दीप मात्र हैं, आप ये जान लीजिए, और आप कुछ भी नहीं है जिससे कि संसार में उजियारा हो, और आपके अंदर वो बात भी है जिसमें कि दीप जलना है। लेकिन अगर आप मुंह मोड़ के बैठे हुए हैं तो उससे कौन क्या कर सकता है। हमारा कितना विद्वेष, इस देश की तो विशेषता है, इस देश की तो विशेषता ही विद्वेष, किसी का कुछ अच्छा ही अच्छा नहीं लगता, बहुत ही अजीब सी बात लगती है। किसी के घर में अगर फूल खिले हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, पर किसी के घर में अगर कोई लाते गोबर डाल दे तो अच्छा लगता है, कैसा मनुष्य चित्र है आपको बताइए। अरे उसके भी घर में फूल खिले हैं तो आपके भी तो सुगंध आएगी, आपकी भी तो हवा उससे सुगंधित हो जाएगी। विद्वेष के कारण ही
हम इस ज्ञान से अधूरे रहे। हमारे अंदर के जो तरंग है वो हमें प्यार सिखाने के लिए आए हैं, प्यार देने के लिए आए हैं, और हमारा जो प्यार है उसे संसार में फैलाने के लिए आए हैं। प्यार का ही साम्राज्य लाने के लिए संसार में ये हृदय हम लोगों के धड़क रहे हैं। इस परमात्मा को कोई धंधा नहीं था, इस तरह के अज्ञानी लोगों को पैदा करते, क्या उनकी अक्ल नहीं थी जो इस तरह के महामूर्खों को पैदा कर दिया जो अपने ही थे। और जब ये ज्ञान हो जाता है, एक बात पता हो जाती है, एक बात जो बड़ी सच्ची बात है, परम सत्य की एक बात समझ में आ जाती है कि अरे जो हमारे अंदर स्पंदित है वही दूसरे के अंदर स्पंदित है, और जो हमारे अंदर से वाइब्रेशन बह रहे हैं वही दूसरों के अंदर अकला रहे हैं टूटने के लिए और बहने के लिए। और ये जाना जाता है आपके हाथ से, उंगलियों से, और आपके रीढ़ की हड्डी से। हमारे सामने तो ऐसे भी जरा सा ही कोई दुष्भाव लेके आए तो सब सब काप करके इसके हाथ में वो दगड़ाने लगते हैं। आपने से बहुत लोगों देखा, प्रेम की शक्ति को किसी ने आजमाया ही नहीं। अगर प्रेम की बात करो तो लोग उसको हवाई बात समझते हैं, हालांकि अणु रेणु और हरेक मनुष्य के हृदय के हरेक बंधन में ही उसकी शक्ति कार्य करती है। प्रेम ही एक शक्ति है जो सारे सृष्टि का रचना सृजन सारा कार्य करती है। इसी प्रेम की शक्ति को लोग डिवाइन कहते हैं, नाम कुछ भी दीजिए, इसको समझने की बात है। हिंदुस्तान में शंकराचार्य ने बहुत साफ साफ इस बात की गर्जना करके और घोषणा करके कहा था, इन्हीं चैतन्य लहरियों का आना ही परमात्मा का पाना है, और उसी से मनुष्य उस परमात्मा के हाथ का साधन बन करके संसार का कार्य उस तरह से करते रहता है जैसा कोई एक साक्षी हो जिसमें। लेकिन शंकराचार्य को कौन पढ़ते हैं, मॉडर्न आदमी की बड़ी विचित्र दशा है। जब तक धर्म में अधर्म न लिखा जाए मनुष्य धर्म की किताब नहीं पढ़ता, तो विचित्र की बात, टेक्स्ट लिखा ना जाए तब तक वो धर्म की बात नहीं करता। टेक्स्ट और धर्म का कोई भी संबंध नहीं, चाहे वो आज हो चाहे अनादि काल से भी मनुष्य की बात पुस्तक न भी माने समझे भी नहीं और उसके लिए कुछ भी कहे, टेक्स्ट का और धर्म का कोई भी संबंध। और ये हम सिद्ध करके आपको दिखा सकते हैं। सर आप किसी भी हमारे प्रोग्राम में आए, कुंडलिनी की जागृति टेक्स्ट से संबंधित है ही नहीं, उल्टे टेक्स्ट जब छोटे बच्चे जैसा हो जाता है तभी कुंडलिनी आपकी माँ जागृत है। इस तरह के नवयुग में एक विचित्र सा कंफ्यूज है। उस वक्त में वाइब्रेशंस का देखा जाना कम से कम इशारा तो इस ओर करता ही है कि मनुष्य चाहे किसी भी डींग मारे बहुत कुछ ही जान पाया, बहुत ही थोड़ा जान पाया है, बहुत ही थोड़ा। और जो नहीं जान पाया उसको सब उसने नाम दे दिए हैं बड़े बड़े, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि वाइब्रेशन, और कहीं उसे कहता है कि स्वयंचालित संस्था, और कहीं वो कहता है कि यूनिवर्सल अनकॉन्शियस। संसार के सारे ही प्रश्न सहज योग से ही छूट सकते, ये कहने पर भी लोग बहुत नाराज हो जाते हैं कि माता जी जैसे कैसे बात। लेकिन जो शक्ति सारे संसार को चलाती है, जो वाइब्रेशन हरेक अणु रेणुओं में प्लावित है, उसको अगर आप जान लें, वो आपके हाथ में से बहने लग जाए, उससे अगर आप मास्टरी कर लें, तो आपके लिए क्या असंभव कोई बात है। मनुष्य शक्ति का पुजारी है, वो चाहता है कि हाँ अगर मेरे अंदर शक्ति आ रही तो मैं सहयोग करूँ, उसे कुछ बदला चाहिए। असल में आपके अंदर तो शक्ति है ही, लेकिन वो कुंठित है। उसको स्वतंत्रता दे देना, उसको लिबरेट करना, यही कार्य सहयोग करता है, यही लिबरेशन है, यही मुक्ति है, जिसके बारे में कुछ हजारों किताबें मनुष्य ने लिखी। इसमें बहुत अज्ञानी किताबें हैं, बहुत सारी अज्ञानियों की किताबें हैं,
ज्ञान की किताबें तो वो हैं जो कि रोजमर्रा हर एक जगह हमें जरूर देखने को मिले और उसका प्रूफ मिले। अब ज्ञान ही संसार में भरा दिखाई दे। जब मनुष्य को ज्ञान होता है सिर्फ एक ही ज्ञान कि मैं कौन हूं, मैं किस शक्ति से बना हुआ, किस शक्ति में मैं स्थित हूं, एकदम उसका अंतर्मन बदल जाता है, उसकी स्थिति बदल जाती है, उसका तरीका बदल जाता है और जिसे वो दुख समझता है, जिससे वो घबरा कर भाग रहा है, वो असलियत, वो वास्तविकता उसके लिए बड़ी सुंदर हो जाती है। सभी सहजियों से विनती है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।